बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बेटे नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे, एम्फीबियंस। ठीक है जी, आज हम एम्फीबियंस स्टार्ट करेंगे। दीज वर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टीब्रेट्स। ठीक है, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बेटे जो मैंने इस चैप्टर में आपको बताने हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बेटे कि हम थोड़ा सा इसकी लीनीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके पास, जैसे हमें पता था कि फ़िशेस जो थीं जो कि पीरियोडिक ड्रॉट्स को झेल लेती थीं, वो उन अडेप्टेशंस ने उनको प्री अडेप्टेड कर दिया फॉर लैंड। ठीक है, और वो मतलब हम उन फिशेस को जो कि ड्रॉट को रिजिस्ट कर सकती थी, हम कह सकते थे दीज वर प्री अडेप्टेड वर्टिब्रेट्स पर्टिकुलरली फॉर द लैंड। अब दो लीनीजेस थी वहाँ पर, ठीक है जी, दो लीनेजेस एंशियंट एम्फीबियंस की थी। ब्लैंक्स में अक्सर पूछ लेते हैं, एक लीनेज ने तो आपको मॉडर्न एम्फीबियंस दे दिए, तो दूसरी लीनेज ने क्या दे दिया, एमनियोट वर्टिब्रेट्स। एमनियोट वर्टिब्रेट्स में क्या आते हैं आपके पास, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं एंड मैमल्स आ जाते हैं। ठीक है जी, जिसमें एमनियन, कॉरियन, एलेंटोज, यानी कि उसके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं टू अवॉइड द डेसिकेशन। ठीक है जी, अब हम सेकंड पॉइंट को देख रहे थे। सेकंड पॉइंट जो कॉन्सेप्चुअल इस चैप्टर में आपका क्लियर होने वाला है, वो आपके पास इसी क्लासिफिकेशन के बारे में है कि मॉडर्न एम्फीबियंस जो हैं उनको तीन ऑर्डर्स में हम डिवाइड करते हैं जी। ठीक है, क्योंकि ये क्लास है ना, तो क्लास ऑर्डर्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले कॉर्डेटा है, इसके अंदर सिलेमेंडर्स आ जाते हैं। फिर आपके पास जिम्नोफायाना है, इसके अंदर सिसिलियंस आ जाते हैं। एंड थर्ड वन जो कि बहुत फेमस और नोन है, दैट इज़ न्यूरा। न्यूरा के अंदर आपके पास फ्रॉग्स एंड टोड्स आ जाते हैं। थर्ड जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है या जो आप इस चैप्टर के अंदर देखेंगे डिटेल के अंदर, वो आपके पास एम्फीबियंस का लाइफस्टाइल है, इसकी अडेप्टेशंस हैं, एवोल्यूशनरी प्रेशर्स हैं। ठीक है जी, तो आपके पास एम्फीबियंस, हमें पता है कि ज़्यादातर मॉइस्ट हैबिटेट से वो लिंक होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा मॉइस्ट ही तो नहीं गुजरता ना। ठीक है, उनको रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए और भी चीज़ों के लिए मॉइस्चर चाहिए, बट उनका लाइफ का, डेड लाइफ का काफ़ी हिस्सा लैंड के ऊपर गुजरता है। ठीक है, और यही वजह है कि उनके जो बॉडी सिस्टम्स हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी अडेप्टेशंस हैं जो कि उनको हेल्प आउट करती हैं टू लिव ऑन लैंड। फिर जी फोर्थ वन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसके अंदर, आप देखोगे कि एग्स की और जो डिफरेंट एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, ये रेजिस्टेंट हैं ड्राइंग के अंदर। ठीक है जी, और ये किसके अंदर सबसे पहले डेवलप हुई थी, एंशियंट एम्फीबियंस के अंदर। ठीक है जी, और यही जो आपके पास डिवेलपमेंट है टू डिवेलप द एग्स एंड डिवेलपमेंटल स्टेजेस दैट आर रेजिस्टेंट टू द ड्राइंग, ये एक मेजर एवोल्यूशनरी स्टेप है जो कि वर्टिब्रेट एवोल्यूशन के अंदर हुआ है, जो कि इसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट से इसका कनेक्शन वीक करता है। जब मॉइस्ट एनवायरनमेंट से कनेक्शन वीक होगा, इट मींस कि ये लैंड के ऊपर इजीली सर्वाइव कर जाएगा। क्योंकि देखिए, हम एग्स और डेवलपमेंटल स्टेजेस का क्यों पर्टिकुलरली जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशी डिपेंड ऑन इट्स रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसका जो स्प्रेड होता है नस्ल तक का, उस पर डिपेंड करता है। तो दीज वर द मेजर कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी विल कवर ड्यूरिंग दिस चैप्टर। तो बेटे चलते हैं नेक्स्ट एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव चेक करते हैं एम्फीबियंस का जी। तो बेटे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के हवाले से सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर सपोज़ आप किसी स्ट्रीम के किनारे, नदी के किनारे आप चल फिर रहे हैं, तो अचानक आपको शौक लगेगा, कोई ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो है ना पानी में उछलना शुरू कर देंगी, और वो जितने आप शौक होंगे इतने वही शौक हो जाएंगे। ठीक है, और वो पानी में अपनी सेफ्टी की छलांगें मार रही होंगी। ठीक है, वो क्या चीज़ें होती हैं, फ्रॉग्स होते हैं मोस्टली। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों ने बरसात में, अक्सर भी बरसात आने भी वाली है, आप नोटिस भी करिएगा, या आपके पास स्प्रिंग की इवनिंग्स में भी टरा रहे होते हैं फ्रॉग्स, ठीक है, इकट्ठे हम आवाज़ होकर कोरस में। तो ये सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये लोगों को बहुत फैसिनेट करती हैं, और लोग जानना चाहते हैं कि ये कौन सी क्रिएचर्स हैं। तो फिर लोगों ने अपनी जितनी भी लाइव्स हैं पूरी की पूरी वो इन्वेस्ट कर दी इनको स्टडी करने के लिए। ठीक है जी, अगर आप एम्फीबिया को देखते हैं तो एम्फीबिया जो है आपके पास बेसिकली इसके नाम का जो मतलब निकलता है एम्फीबिया, ठीक है, एम्फी मीन आपके पास टू, ठीक है, एम्फीबिया डबल लाइफ, हैविंग डबल लाइफ, ठीक है, दो जिंदगियां जैसे नाम से ज़ाहिर होते हैं, मोस्टली इनमें फ्रॉग्स, टोड्स, सिलेमेंडर्स, सिसिलियंस आते हैं। जैसे कि क्लास के नाम से ज़ाहिर है, ये ज़िंदगी में या तो कभी पानी में होते हैं, कभी लैंड में, ये डबल लाइफ गुजारते हैं, या ऐसे है कि इनकी ज़िंदगी की एक स्टेज जो होती है वो पानी में होती है और दूसरी स्टेज जो होती है वो लैंड पे होती है। ये दोनों डिस्क्रिप्शन एम्फीबियंस के ऊपर सादिक आती है पूरी, ऐसे ही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे पूछ सकते हैं व्हाई एम्फीबिया इज़ कॉल्ड एम्फीबिया। ठीक है, तो ये आप बताओगे कि या तो ये मूव बैक एंड फॉर्थ, तो दूसरा एक स्टेज या दूसरी स्टेज इनकी पानी में ज़रूर होती है। एम्फीबियंस जो हैं टेट्रापोड्स कहलाते हैं बेटे, और टेट्रापोड क्या है, ये एक नॉन टेक्सोनॉमिक टर्म है, ठीक है, जो कि ऐसे तमाम वर्टिब्रेट्स जो कि फिशेज़ के अलावा तमाम जो वर्टिब्रेट्स हैं जो कि लैंड के ऊपर रहते हैं उनके लिए ये टर्म इस्तेमाल की जाती है।
तो अब आ जाते हैं बेटे हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के ऊपर. हमें पता है कि 250 to 50 million years ago, ठीक है, आपके पास 250 million years, बल्कि गो नहीं सॉरी 250 million years साल पहले, यानी कि इतने अरसे पहले जो है आपके पास इस ड्यूरेशन के अंदर 250 million years का ड्यूरेशन था. इसके अंदर आपके पास अडेप्टिव वेरिएशन हुई थी एक्वाटिक एनवायरनमेंट में, जो फिशेज है बहुत सारी उसकी डाइवर्सिटी क्रिएट हुई थी, ठीक है. लेकिन अब क्या है कि उस प्री हिस्टोरिक डाइवर्सिटी के अंदर आपके पास प्री हिस्टोरिक वाटर्स के अंदर आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थे, क्योंकि देखिए जब डाइवर्सिटी किसी जगह बढ़ जाती है तो फूड की कमी हो जाती है, ठीक है, और फिर एक दूसरे को प्रीडेटर्स भी शिकार करते हैं बहुत ज़्यादा, तो लाइफ के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है वहाँ पे. तो यही वहाँ पे भी हुआ था. फिर लैंड के ऊपर अगर सिचुएशन उस टाइम देखी जाती तो लैंड के ऊपर क्या सिचुएशन थी, लैंड के ऊपर आपके पास कोई वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट नहीं थे, फ्री था, यानी कोई फूड कंपटीशन नहीं था, सर्वाइवल कंपटीशन नहीं था. दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा हुए तो आर्थ्रोपोड्स थे जो कि फूड के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते, तो अबंडेंस ऑफ फूड था, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन था एंड एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर था, ठीक है, फ्री फ्रॉम प्रीडेटर, ना जान का खतरा हो, ठीक है, ना आपको खुराक के लिए जद्दोजहद करनी पड़े, खुराक भी वाफर मकदार में हो, तो वो जगह एक जन्नत ही तसव्वुर होगी ना. तो अडेप्टेशंस करके ही लैंड एक परफेक्ट उनके लिए रहने की जगह थी, ठीक है. तो आपके पास जो है जितने भी एनिमल्स हैं मोस्टली जो लैंड पे होते हैं, तो या फिशेस का हम जिक्र कर लेते हैं जो किनारों किनारों पे रहती थी, लंग्स डेवलप कर लिए ब्रीदिंग के लिए और मस्कुलर फिन्स डेवलप कर लिए, ठीक है, ताकि मड में तैरती फिरें. और क्या था, उनको किनारों पे बहुत ज़्यादा फूड आर्थ्रोपोड्स वगैरह भी मिल जाते थे और उनको कोई भी ख़तरा नहीं था किससे, प्रीडेटर से, ठीक है जी. और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो मेजर कंपोनेंट है आपके पास एम्फीबियन की डाइट का, वो क्या है, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है बेटे. तो ये एक इस लिहाज से आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे अभी बहुत ज़्यादा एसिड रेन है या बहुत ज़्यादा इस तरीके से आपको पता है कि वाटर बॉडीज़ ख़त्म हो रही हैं दुनिया में, इनका हैबिटेट ख़त्म हो रहा है, तो एम्फीबियंस भी ख़त्म हो रहे हैं. तो आप कहेंगे मैम एम्फीबियंस का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ख़त्म भेजें तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है. कुदरत के कारखाने में कोई चीज़ कमी नहीं है, इकोसिस्टम के अंदर आप देखें उनका बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल है. ये जो आप लोगों के मॉस्किटोज़ वगैरह होते हैं पानी में, उसके लार्वीज़ को ये ख़त्म कर रहा होता है, फिर इसके अलावा बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स को ख़त्म कर रहा होता है. जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो बहुत डिजीज़, आपको पता है ना वैक्टर्स भी हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये तो एक जनरल मैंने आपको एक एस्पेक्ट बता दिया. तो इस तरीके से बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जी. तो बेटे फाइलोजेनेटिक्स के अंदर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं. तो जो आपके पास इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल देखेंगे वो आपके पास देखेंगे एम्फीबियन की ओरिजिन की एंशियंट साइकोप्टेरिजन से. और आपके पास दो तरह की अडेप्टेशंस हुई हैं इसके अंदर, पहले तो अडेप्टिव रेडिएशन हुई है, ठीक है, और दूसरी इसके पास कन्वर्जन एंड पैरेलल एवोल्यूशन हुआ, ठीक है जी. तो आपके पास जो अडेप्टिव रेडिएशन थी उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा वैरायटी प्रोड्यूस हो गई है जो आपके पास अभी भी मौजूद है, ठीक है, एम्फीबियंस की. और बाद में जो क्या हुआ है, कन्वर्जेंट और पैरेलल एवोल्यूशन हुआ है और जिसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन भी हुई थी, ठीक है, उसकी वजह से, यानी कन्वर्जेंट पैरेलल एवोल्यूशन की वजह से और एक्सटिंक्शन की वजह से बहुत सारे जो एवोल्यूशनरी पाथवे से वो गुड मुड हो गए, आपस में मिक्स अप हो गए. इसी वजह से आज कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि कौन सा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो कि पहला एम्फीबियन कहलाया जा सकता है. लेकिन अगर हम लिम्स वगैरह के, यानी उनके बाजुओं टांगों वगैरह के स्ट्रक्चर्स, स्कल्स के स्ट्रक्चर और टीथ को ज़रा कंपेयर करें तो जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं उनमें से एक जो ऑर्गेनिज्म है फॉसिल के हिसाब से भी, और अगर वो जो मॉडर्न है उनके साथ कंपेयर करके, दैट इज़ एक थायोस्टेजा. एक थायोस्टेजा जो है ना वो कहते हैं कि प्रॉबली इस सिमिलर टू द अर्लीस्ट एम्फीबियंस के, हो सकता है ये एम्फीबियंस जो शुरू में वजूद में आए हैं तो ये उससे मिलता जुलता हो. तो अगर हम लीनेजेस की बात करते हैं तो दो लीनेजेस जो हैं एम्फीबियंस की हमारे पास वो लेट डिवोनियन में और अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर जो है ना वो वजूद में आई, जिसमें जो स्कल था उसका पोस्टीरियर पोर्शन और जो उसका रूफ था वो आपस में अटैच हो गया, स्कल की फॉर्मेशन प्रॉपर एम्फीबियंस की है वो बनना शुरू हुई, ठीक है. तो इनमें से जो एक लीनेज दैट इज़ कॉल्ड एमनियोट लीनेज, दूसरी जो है वो नॉन एमनियोट लीनेज. एमनियोट लीनेज में तो हम पता है कि आपके पास बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स आते हैं. नॉन एमनियोट्स में जितने भी मॉडर्न आपके पास एम्फीबियंस के तीनों ऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आपके पास एमनियोट रीजन लीनेज है ये कब हुई थी, आपके पास फ्लरिश हुई थी और कब इसकी एक्सटेंशन हुई थी. तो आपके पास ये जो है आपको पता ही है कि कार्बोनिफेरस के स्टार्ट में ये हुई थी या लेट डिवोनियन में स्टार्ट हुई थी, और ये ख़त्म कब हुई है, एक्सटेंशन इसकी तकरीबन आपके पास हो गई है कार्बोनिफेरस के एंड पे, लेट कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर, ठीक है. और इसमें क्या था, नाम से ज़ाहिर है एमनियोटिक, तो इसमें एमनियोटिक एग्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है,
जो कि डेसिकेशन से बचाएंगे। फिर लेटर ऑन जो है एक सेकेंड लीनियज भी थी जिसको हमने नॉन एमनियोटिक का नाम दिया है, जो कि जुरैसिक पीरियड के अंदर फ्लरिश हुई है, ठीक है, और ज़्यादातर ये एक्सटेंक्ट हो चुकी है, लेकिन इसमें तीन जो हैं ऑर्डर्स वो अभी तक लिविंग हैं, ठीक है। इन्हीं तीन ऑर्डर्स की हम ज़रा डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी क्लासिफिकेशन के अंदर। जी तो बेटे इसकी जनरली हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ दी लिविंग एम्फीबियंस, ठीक है जी। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं क्लास एम्फीबिया के जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी स्किन जो होती है बेटे, इसमें म्यूकस लाइक सिक्रेशंस होती हैं, म्यूकॉइड सिक्रेशंस होती हैं, और इसके अंदर स्केल्स नहीं होते, एपिडर्मल स्केल्स आर एब्सेंट, फेदर्स भी नहीं होते और हेयर्स भी नहीं होते। लार्वी जो इसका है वो एक्वाटिक होता है, जो कि मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और फोर्थ वन क्या है, दो इसमें एट्रियल चैम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, एक सर्वाइकल और दूसरी आपके पास सैक्रल वर्टिब्री मौजूद होती है। अब आ जाते हैं इनको हम कितनी ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं, तो तीन ऑर्डर्स में बैठे, ऑर्डर क्वाडेटा, ऑर्डर जिम्नोफायोना एंड ऑर्डर एन्यूरा। ऑर्डर क्वाडेटा जो है आपके पास, इसमें लॉन्ग टेल होती है, ठीक है, और इसमें दो पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, ठीक है। इसमें मिडल ईयर एब्सेंट होता है, और इसकी एग्जाम्पल्स में आपके पास आ जाते हैं सेलेमेंडर्स एंड न्यूविड्स। और जिम्नोफायोना को अगर आप देखें, लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, बाजू के नहीं होते, लिम्बलेस होते हैं, और इनकी बॉडी जो है ना वो एन्यूलर ग्रूव्स की वजह से सेगमेंटेड फील होती है, ठीक है। और आपके पास स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर बर्रोविंग, जिस तरह वर्म लाइक होते हैं ना, ठीक है। और इसकी जो टेल होती है वो शॉर्ट होती है और पॉइंटेड होती है, और इसमें जो लेफ्ट लंग है वो रूडिमेंट्री होता है, ठीक है, यानी वो डेवलपमेंट जो है ना वो डेवलप नहीं हुआ होता, रूडिमेंट्री है, या वो डेवलपमेंट उसकी ख़त्म हो गई। तो एग्जाम्पल्स में देते हैं बेटे आपके पास सिसिलियंस, ये वॉर्म लाइक होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑर्डर न्यूरा, जिससे आप वाकिफ हैं, जिसमें टोड और फ्रॉग्स आते थे। अब इसमें क्या है, आपके पास टेल लेस होता है, दुम नहीं होती, ठीक है। और इसके जो हाइंड लिम्स होते हैं वो इलॉन्गेटेड, पिछले वाले लंबे होते हैं, आपको पता है, आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा था, जंपिंग एंड स्विमिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इसमें 5 to 9 प्री सैक्रल वर्टिब्रीज होती हैं, जिनके ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, लेकिन पहली दो के नहीं होते, ठीक है। और पोस्ट सैक्रल वर्टिब्री जो होती है वो फ्यूज़ हो जाते हैं इनटू अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दिस कॉल्ड यूरोस्टाइल, एंड टिम्पेनम भी होती है, और लेरिंग्स भी बहुत अच्छा डेवलप होता है, ये फिर जो वॉइस इनका होता है ना, वोकलिंग, उसमें हेल्प करता है। और आपके पास क्या है, इसकी एग्जांपल्स में आपके पास आ जाते हैं बेटे फ्रॉग्स एंड टोड्स। तो बेसिकली ये माइंड में होना चाहिए कि एम्फीबियंस आर डिवाइडेड 3 ऑर्डर्स, ऑर्डर क्वाडेटा, सेलेमेंडर्स एंड न्यूविड्स, ऑर्डर जिम्नोफायोना, सिसिलियंस एंड ऑर्डर एन्यूरा, दैट इज फ्रॉग्स एंड टोड्स, ठीक है। तो बेटे आपको पता है कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एन्यूरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिसेक्शन आपने एफएससी में भी की हुई है, और इसकी जो आपके पास स्केलेटन है उसकी आइडेंटिफिकेशन भी एफएससी में की हुई है। अभी हम इंशाल्लाह बाकी भी वर्टिब्रेट्स के स्केलेटन वगैरह को देखेंगे, लेकिन ये आपके माइंड में होना चाहिए, ये इनकी जो आपके पास स्पेशली जो वर्टिब्रीज हैं, कौन कौन सी वर्टिब्री, अब डिटेल के अंदर आप स्टडी कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट आगे इसके एवोल्यूशनरी प्रेशर्स, तो उसके अंदर आप इसकी लोकोमोशन सपोर्ट एंड मूवमेंट में देखोगे डिटेल के अंदर कि इनका जो स्केलेटन है उसके अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशन आई हैं जो कि इनको लैंड पे सर्वाइव करने में हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। तो यूरो स्टाइल हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। इंशाल्लाह जब हम पेपर बी पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी जब हम सपोर्ट एंड स्केलेटन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग आपस में कंपेयर करेंगे ग्रुप्स को, ठीक है। आप फिशेज को देखोगे, उसको कंपेयर करोगे, आप एम्फीबियंस को, फिर आप रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स को बर्ड्स एंड देन मैमल्स। तो अब आपने वन बाय वन इसकी डिटेल इसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग भी पढ़ रही है, तो वहाँ पर कंपेरिजन आसान हो जाएगा। और प्रैक्टिकल में भी यही चीज़ आती है, ठीक है। डिसेक्शन आती है, उसके अंदर आपने डिफरेंट सिस्टम्स को एक्सपोज करना होता है, वो बताना होता है, डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, और साथ में आपके पास जब स्केलेटन की स्टडी आती है तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं हर एक क्लास में से जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है, जैसे स्नेक्स हो गए, जैसे आपके पास लिजर्ड्स हैं, जैसे आपके पास ये फिश हो गई, और आपके पास एम्फीबियंस हो गए, तो मैमल्स हो गए, तो हर एक के जो स्केलेटन्स हैं वो आपकी लैब में अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह उसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन सिर्फ स्केलेटन देखना नहीं है कि हाँ जी ये ढांचा है, नो, आपने उसके डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके पार्ट्स की आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि आपको बताया था ना कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज ऑलवेज रिलेटेड, और फंक्शन और स्ट्रक्चर को देखते हुए आप उसका एनवायरमेंट बता सकते हो किस हैबिटेट का है, और हैबिटेट को देखते हुए आप बता सकते हो कि इस हैबिटेट में इस तरह के जानवर रहते होंगे, उनका ये फंक्शन होगा, और फिर फंक्शन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर, तो ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो बायो करने, तो तीनों चीज़ों को आपने लिंक करके ही पढ़ना है, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग में किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं इन तीनों ऑर्डर्स की वन बाय वन। जी तो बेटे सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्डर क्वाडेटा, नाम से जिससे जाहिर हो रहा है क्वाडा, क्वाडा मीन टेल,
के बेटे, तो टेल बियरिंग जो आपके पास जितने भी एम्फीबियंस हैं मोस्टली वो आपके पास सेलेमेंडर्स हैं मोस्टली, ठीक है, और आपके पास इनके अंदर पूरी लाइफ के अंदर टेल मौजूद होती है और आपके पास टू पेयर्स ऑफ लेग्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और मोस्टली स्पेशलाइज नहीं होते, अनस्पेशलाइज होते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो तकरीबन 350 स्पीशीज़ हैं अभी तक सेलेमेंडर्स की डिस्क्राइब हो चुकी हैं, जिनमें से 115 जो है सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही पाई जाती हैं। और अगर इनके हैबिटेट को देखा जाए तो मोस्टली ये बेटे रहते हैं मॉइस्ट फ्लोर ऑफ दी फॉरेस्ट लिटर, यानी कि जो पत्ते वगैरह नीचे गिर जाते हैं, जो जंगल में नीचे जो फर्श सा होता है उसके ऊपर होते हैं, ठीक है, और इसका लार्वा जो होता है एक्वाटिक होता है। लेकिन कुछ फैमिलीज जो है इसकी केव्स में भी रहती हैं। यहाँ क्यों केव्स में इनको आइडियल इन्वायरमेंट मिलता है? क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशन रहती है। और सेलेमेंडर की यहाँ पे दो फैमिलीज अगर देखे जाएँ तो सेलेमेंडर की एक फैमिली जो है आपके पास लिथोडोंटाइडी, ठीक है, ये जो आपके पास फैमिली है इसके अंदर सिर्फ टेरेस्ट्रियल सेलेमेंडर्स पाए जाते हैं, जो कि लैंड के ऊपर अपने एग्स ले करते हैं और इनके एग में से फिर मिनिएचर्स यंग वन एडल्ट्स निकलते हैं, ठीक है। और अगर दूसरी फैमिली का जिक्र किया जाए तो वो है आपके पास सेलेमेंड्राइडी, ठीक है, और ये फैमिली जो है इसकी जितने मेंबर्स हैं उनको हम न्यूविट्स कहते हैं, और मोस्टली ये वाटर के अंदर रहते हैं और इनके अंदर क्वार्टल फिन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और चूंकि वाटर के अंदर तो क्वार्टल फिन्स इनको चाहिए होंगे। सेलेमेंडर जो है इनकी जो साइज़ की अगर बात कर लें तो कुछ सेंटीमीटर से लेके 1.5 मीटर तक भी ये हो सकते हैं। 1.5 मीटर आपको मिलेगी जापानीज जायंट सेलेमेंडर आपके पास एंड्रियास जापोनिकस, ठीक है, उसकी एग्जांपल है। और अगर आप नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पे स्पीशीज़ है ना, तो वहाँ की अगर फैमिली का जिक्र किया जाए, सेलेमेंडर्स के लार्जेस्ट सेलेमेंडर का जिक्र किया जाए, तो वो तकरीबन 65 सेंटीमीटर लंबा होता है और उसका नाम है हेलबेंडा, ठीक है, हेलबेंडा, और इसको आप क्रिप्टो ब्रेंकस एलिजिनेंसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी, अगर इसकी फर्टिलाइजेशन का जिक्र किया जाए तो इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो मोस्टली आपके पास इंटरनल होती है, और इसमें मेल जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटोफोर्स, जो कि पिरामिडल्स होते हैं, जिलेटनस होते हैं, और वो उनकी गैप के ऊपर स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट के ऊपर जगह जगह डिपॉजिट कर देते हैं। और फीमेल क्या करती है, जब आती है तो इनको पिक कर लेती है अपने कोलैका के ज़रिए और स्टोर कर लेती है इन स्पर्म्स को अपनी स्पेशलाइज पाउच में, जिसको स्पर्मथिका कहते हैं, ठीक है। और जो आपके पास एग्स होते हैं, जब फर्टिलाइज हो जाते हैं, कैसे, जब वो क्लाका से पास करेंगे तो फर्टिलाइज हो जाएंगे, और उसके बाद जब फर्टिलाइज हो जाएंगे तो फिर उसके बाद वो क्लम्प्स की फॉर्म में, गुच्छों की फॉर्म में, या लंबी लंबी जो है ना स्ट्रिप्स की फॉर्म में, स्ट्रिंग्स की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे। अब जब उसमें से लार्वी निकलेगी तो वो बिल्कुल सिमिलर होती है एडल्ट जैसी, लेकिन वो बिल्कुल छोटी होती है, मिनिएचर एडल्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। और आपके पास उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्सटर्नल गिल्स हैं, आपके पास टेल फिन है, लार्वल डेंटिशन होती है और रूडिमेंट्री टंग होती है। अच्छा, लार्वल स्टेज जो है आपके पास वो यूजुअली मेटामॉर्फोस कर जाती है इनटू टेरेस्ट्रियल एडल्ट, लेकिन आपके पास कुछ सेलेमेंडर्स के अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, और मोस्टली वो पीडोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि उनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी वो पहले आ जाती है, लार्वल करेक्टरिस्टिक्स के मौजूद होते हुए ही सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। और एग्जांपल में आपके पास नेक्चुरस की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। तो ये बेटे एक जनरलाइज वे था जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया, मोटी मोटी बातें आपको बता दी कि ऑर्डर पॉडेटा के अंदर सेलेमेंडर्स हैं, ठीक है, इनकी स्पीशी नंबर बता दिया, डिफरेंट लोकेशन हैबिटेट्स बता दिए, और डिफरेंट दो फैमिलीज हमने डिस्कस कर ली, लार्जेस्ट भी डिस्कस कर लिया आपके पास दो सेलेमेंडर्स, और इसकी फर्टिलाइजेशन को डिटेल में देख लिया, और इसके डेवलपमेंटल स्टेजेस को हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट ऑर्डर है हमारा जिम्नोफायोना। जिम्नोफायोना जैसे नेम से जाहिर है आपके पास बेटे कि जिम्नो मीन नेकेड एंड फायोन्स मीन लाइक स्नैक्स, ठीक है, तो स्नैक लाइक बॉडी, इनकी वॉर्म लाइक बॉडी होती है, इनको सिसिलियंस इसकी एग्जांपल है, ठीक है जी। और तकरीबन अभी तक 160 स्पीशीज़ डिस्क्राइब की जा चुकी हैं, जो कि सारी की सारी ट्रॉपिकल रीजन में पाई गई हैं। सिसिलियंस जो हैं ये वॉर्म लाइक बोरवर्स होते हैं, जो कि दूसरे ही वर्म्स और इनवर्टिब्रेट्स जो सॉइल में मौजूद होते हैं उसके ऊपर फीड करते हैं, और ये सेगमेंटेड लगते हैं बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि इनकी जो स्किन की जो फोल्ड्स होती है वो ओवरलैप करती है सेपरेशंस, जो मसल बंडल की जो सेपरेशंस हैं वहाँ पे स्किन फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से लगता है कि ये आपके पास सेगमेंटेड है। अच्छा, अब क्या है कि इनका एक टेंटिकल मौजूद होता है जो कि इनकी आईज उनके नॉस्टल के दरमियान में है, जो कि केमिकल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम एनवायरमेंट्स, ठीक है, टू दी ऑल्फैक्टरी सेल, जो कि प्रेजेंट होते हैं माउथ के रूफ पे। अच्छा जी, फिर इसके अलावा जो स्किन होती है वो इनकी आँख को कवर कर लेती है पूरी की पूरी, जिसकी वजह से ये नियरली ब्लाइंड होते हैं। और आपके पास फर्टिलाइजेशन जो है इसकी इंटरनल होती है, और जिसकी लार्वल स्टेजेस होती हैं वो ओविडक्ट से पास होती हैं, और जब ओविडक्ट से पास होती हैं तो उस दौरान वो अपने डेंटाइन से वो स्क्रैच करती हैं, आपके पास स्क्रेप करती हैं लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट को, और फीड करती हैं वहाँ पर।
तो बेटे फीटल टीथ से वो फीट कर रहे थे ठीक है ओविडक्स को, और फिर उसके बाद इमर्ज हो जाते हैं फ्रॉम फीमेल्स एज मिनिएचर एडल्ट्स। कुछ सिसिलियंस जो हैं वो एग ले करते हैं जो कि डेवलप होते हैं या तो बेटिक लार्वी के अंदर या फिर वो डेवलप होते हैं लैंड के अंदर। नेक्स्ट आपके पास ऑर्डर है बेटे, दैट इज़ एन्यूरा, जिनको हम सिलियनशिया भी कहते हैं। नाम से ज़्यादा ए न्यूरा, ए मीन विदाउट न्यूरा मीन टेल ठीक है, ऑरा मीन टेल, और ए न्यूरा यानी कि आपके पास विदाउट टेल, या इनको सिलेंशिया भी कहते हैं। अच्छा, अब इसकी तकरीबन 3500 स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं, फ्रॉग्स और टोड्स हैं मोस्टली इसके अंदर, और ये आपके पास मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स में रहते हैं एक्सेप्ट फ्रॉम सम हाई लैटिट्यूड और सम ओशनिक आइलैंड्स। कुछ जो हैं आपके पास ड्राई डेजर्ट्स में भी होते हैं। इनकी जो एडल्ट्स है उसके अंदर टेल नहीं होती, और आपके पास जो इसके कॉडल वर्टिब्रेट्स होते हैं टेल वाले जो वर्टिब्रा होते हैं वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं, जिसको हम यूरो स्टाइल बोलते हैं। और उसकी जो हाइंड लिम्ब्स होते हैं वो लंबे और स्ट्रॉगर और मस्कुलर होते हैं, और उसके जो फीट होते हैं उनके दरमियान मेम्ब्रेन होती है, वेब फीट होते हैं। अच्छा, जिसकी वजह से ये जंपिंग और इसको ना वेब फीट की वजह से सॉरी स्ट्रॉन्ग लिम्ब्स की वजह से जंपिंग और वेब फीट की वजह से तैरने स्विमिंग में हेल्प होती है। देन आपके पास इनकी जो लाइफ हिस्ट्रीज हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो मोस्टली इनकी एक्सटर्नल होती है ठीक है, एग्स एंड जो लार्वी होती हैं वो टिपिकली एक्वाटिक होते हैं। लार्वल स्टेजेस जो होती हैं वो टैडपोल कहलाती हैं, जो कि आपके पास वेल डेवलप्ड टेल रखती हैं, और उनकी एक जो प्लम्प शेप बॉडी होती है जिसके अंदर कोई भी लिम्ब्स प्रेजेंट नहीं होते, एबसेंट होते हैं लिम्ब्स ठीक है। और इसके अलावा आपके पास मतलब जब तक वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होता तब तक उनमें लिम्ब्स नहीं है, वो टेल होगी लंबी सी। और मोस्टली जो एडल्ट्स होते हैं वो तो आपको पता कार्निवोरस होते हैं, लेकिन जो आपके पास लार्वी होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, और वो प्रोटीनियश चोंच की तरह की एक उनके पास स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फीडिंग के लिए वो इस्तेमाल करते हैं ठीक है। और एन्यूरन्स जो है वो उसका जो लार्वा है वो एकदम से ड्रास्टिकली उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगी, और तेज़ी से मेटामॉर्फोसिस रैपिड मेटामॉर्फोसिस होगी जो कि उसको कन्वर्ट कर देगी इनटू द एडल्ट्स। अच्छा, अगर हम डिस्टिंक्शन की बात करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फ्रॉग एंड द टोड ठीक है, तो ये वर्नैक्युलर तो ज़्यादा आपको फील होता है, लेकिन साइंटिफिकली जो है ना अगर देखा जाए तो आपके पास टोड्स जो हैं बेसिकली ऐसे ही न्यूरॉन्स होते हैं जो जिनकी कंपैरेटिवली स्किन जो ड्राई और वॉटी वॉट्स लाइक होती है ठीक है, रफ सी होती है, और मोस्टली ये ज़्यादा आपको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मिलेंगे ठीक है जी बाकी मेंबर्स की नस्बत। और अगर आप इनकी बात करते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्टली रिलेटेड टैक्सा की ठीक है, जो कि जो बाकी टैक्सा हैं वो इसकी नस्बत इतनी ज़्यादा आपको उसमें नहीं मिलेंगे टेरेस्ट्रियल। अच्छा, अब क्या है एक सेकेंड जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, मोस्टली जो है ना आपके पास जो दूसरे इसके रिलेटेड टैक्सा के जो आपके पास मेंबर्स होते हैं उनका करेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो जो दूर के हैं टैक्सा कि वो आपके पास टेरेस्ट्रियल होंगे। ज़्यादातर इसके तो टेरेस्ट्रियल मतलब रिलेशनशिप है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन टोड्स ज़्यादा है। अच्छा, इसके बाद आप आ जाते हैं कि इसके अगर जिक्र करें कि फैमिली किस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, तो आपके पास पुफनाइडी से ये आपके पास बिलोंग करता है ठीक है बेटे, ये आपके पास फैमिली पुफनाइडी से बिलोंग करते जितने भी आपके पास आपको मिलेंगे टोड्स। जी तो बेटे कुछ फिगर्स को हम देख लेते हैं, इसे क्या फिगर 19.1 देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एम्फीबिया ट्री फ्रॉग दिखाया हुआ है ठीक है, हायला एंड्रोसोनी ठीक है जी, और ये मोस्टली आपके पास कॉमन वर्टिब्रेट्स हैं जो टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाए जाते हैं, और इनके जो एंसेस्टर्स थे ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स थे। अच्छा जी, फिर अगर हम जिक्र करते हैं मजीद फिगर्स का आगे जी, ये फिगर जो आपको नज़र आ रही है 19.2, ये आपके पास फिगर किसको इंडिकेट कर रही है जी, ये आपके पास अर्लीस्ट जो आपके पास कहा जाता है कि एम्फीबियंस थे इक्थायोस्टेजा ठीक है, और ये फॉसिल्स थे उनके आपके पास एम्फीबियंस के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका हेड आपको दिखाई दे रहा है ठीक है, उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, और इसके जो लिम्ब्स का जो स्ट्रक्चर है ठीक है, ये सारे आप देख सकते हैं। तो ये सारे वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो के बताते हैं, और जो इसके आपके पास वर्टिब्रीज हैं टेल और पूरी बॉडी का जो आपके पास स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर है, ये सारा इंडिकेट क्या कर रहा है कि आपके पास अर्लीस्ट एम्फीबियंस जो है ना पॉसिबली ऐसे होंगे। तो क्या है जी, फॉसिल्स ऑफ द अर्ली एम्फीबियंस वर डिस्कवर इन द ईस्टर्न ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में मोस्टली डिस्कवर हुए हैं, लेट डिवर्नियन डिपॉजिट्स के अंदर मिले हैं, और आपके पास तकरीबन 65 सेंटीमीटर लंबा स्पेसिमन डिस्कवर किया गया,
और इसके अंदर जो अडेप्टेशन है टेरेस्ट्रियल, अगर आपसे पूछें एक साइज स्ट्रेजा की टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन बताएं तो क्या है, इसके अंदर आपके पास हैवी इसके अंदर बेटे मौजूद होते हैं पेक्टोरल फिन्स, ठीक है, सॉरी गर्डल्स, हैवी पेक्टोरल गर्डल्स एंड पेल्विक गर्डल्स होते हैं, ठीक है, और आपके पास स्टर्डी लिम्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास प्रॉबली बॉडी को लिफ्ट करने में हेल्प आउट किया होगा उन्होंने। और इसकी क्या है करेक्टरिस्टिक, स्ट्रॉन्ग जॉज होते हैं जो कि अब शो करता है कि ये प्रीडेटर होगा शैलो वाटर का, ठीक है, और कभी कभी ये वेंचरिंग करता होगा यानी शोर पे किनारों पे आता होगा। और इसका जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो इसका स्कल है जो कि बिल्कुल सिमिलर है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ दी जो आपके पास एंशियंट सार्कोप्टेरिजन फिश है उससे, ठीक है, और इसके अंदर क्या है फिन लाइक टेल भी मौजूद है, ठीक है, और इसके अंदर जो बोनी रेज हैं आपके पास जो कि स्पाइंस से निकल रही हैं, ठीक है, वो सपोर्ट करती हैं टेल फिन को, ठीक है, बोनी रेज भी हो गई। अब ये जो पैटर्न है आपके पास स्ट्रक्चर का ये बिल्कुल सिमिलर है स्ट्रक्चर ऑफ दी डॉर्सल फिन से जो कि फिशेज में होता है, ठीक है, जो कि दूसरी किसी टेट्रापॉड में जो है अभी तक देखा नहीं गया है। जी बेटे अब बात कर लेते हैं हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की, तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर बेटे देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं कि एक क्लैडोग्राम शो किया गया है और इस क्लैडोग्राम के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले फोर लिम्स यानी कि ये टेट्रापॉड्स है ना, फोर लिम्स टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन के लिए थे, फिर इसमें मूवेबल हेड था, ठीक है, और यहाँ पे देखें फिर यहाँ से आपको ये लीनिएज नज़र आ रही है इसकी, ठीक है, ये आपके पास एक्सटिंक्ट है, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो गया, फिर नेक्स्ट भी आपके पास इससे एक और लीनिएज यहाँ पे जो इसका फीचर जो इसको बाकियों से अलग करता है दैट इज़ यूनिक आपके पास क्या है अटैचमेंट ऑफ द स्कल रूफ टू द ब्रेन केस। अब ये सारे करेक्टरिस्टिक आपको ये वाला करेक्टर जो है ना इन सब में मिलेगा। अब यहाँ से जो पहली ब्रांच आती है वो भी एक्सटेंक्ट हो चुकी है, ठीक है, इसकी जो दूसरी ब्रांचिंग है दैट इज़ न्यूरा, ये आप पढ़ते हैं, ठीक है, लिविंग है, फिर आगे चलते हैं जी, आगे से एक और ब्रांच हो रही है और यहाँ पे वो क्या बना रही है कॉर्डेटा, ठीक है, और इसी की साइड वाइज ब्रांच है ना ये आपके पास बना रही है जिम्नोफायना। तो सिर्फ आपके पास ये वाली जो है ये लिविंग है, ठीक है, ये आपके पास लिविंग है, बाकी जो है ना वो एक्सटेंक्ट हो चुकी हैं। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात कि यही लीनिएज जो आगे चल के आपके पास जा रही है वो बना रही है आपके पास एमनियोट्स, ठीक है, और इन्हीं एमनियोट्स में से आपको पता है फिर क्या चीज़ निकलेगी, तीन चीज़ें निकल रही हैं, ठीक है, एक आपके पास है, एक आपके पास क्या है जी रेप्टाइल्स, ठीक है, दूसरे आपके पास क्या है बेटे जी रेप्टाइल्स आ गए, दूसरे आपके पास क्या है बर्ड्स, और तीसरे आपके पास क्या है मैमल्स, ठीक है, तो ये एक जर्नलाइज साइज का ओवरव्यू था जी। तो बेटे इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास ऑर्डर कॉर्डेटा का एक मेंबर शो किया गया है, ठीक है, आपको जो ब्लू रिज स्प्रिंग सेलेमेंडर है, ठीक है, ये आपको फिगर में नजर आ रहा है, ठीक है, तो सेलेमेंडर कुछ इस शेप का होता है, आप देखें इसमें आपको क्या नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं इसके लिम्स, ठीक है, और इसमें आपको एक लंबी सी टेल दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया जी सेलेमेंडर। तो देट वॉज ऑल फॉर टुडे बेटे, कल इंशाल्लाह हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के हवाले से स्टडी करेंगे इसको डिटेल के अंदर। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर अटेंशन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।